नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। कुंभ राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शेर की तरह दहाड़ मारेगी आपकी किस्मत। पहले जैसी अब आपकी जिंदगी नहीं रहेगी, अब आपकी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू होगी। आपको एक नया जीवन मिलने वाला है, जो देखेगा वह पाएगा और जो नहीं दिखेगा तो बाद में बहुत पछताएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि अंतरिक्ष के सभी ग्रहों ने बदली अपनी चाल। अब क्या होगा आप सभी के जीवन काल में, इसकी 100% सटीक भविष्यवाणी करेंगे और आज की वीडियो में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा जरूर से जरूर लगाएं। दोस्तों, भगवान ने आपकी अर्जी सुन ली है, अब आप खुश हो जाओ और पास में मिठाई बांटना शुरू कर दो, क्योंकि खुशखबरी ही ऐसी है। अब आपकी सफलता शोर मचाए मचाएंगे, नाच नाच कर कूद कूद कर सबको बताएंगे। जी हाँ, खुशखबरी सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वह सबसे बड़ा महामूर्ख होगा, सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा जो आज की वीडियो को मिस करने की गलती करेगा। जी हाँ, सच में उनकी किस्मत खराब होगी जिसने आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखा, क्योंकि आपके सभी कर्मों का फल एक साथ मिलने वाला है अगले 24 घंटे के भीतर। आपकी राशि वालों की कुंडली में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, पूरे विश्व के पूरे जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे, पिछले समय से आप भगवान के दरबार में जाकर जो प्रार्थना किए थे, जो अर्जी लगाई थे अपने जीवन में सुख शांति के लिए, अपने दुख दूर करने के लिए, वह अर्जी भगवान ने स्वीकार कर लिए हैं। जी हाँ, और एक नहीं, आपकी दो बड़ी अर्जी स्वीकार किए हैं। इसीलिए कहते हैं आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, किसी की एक अर्जी स्वीकार नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी दो अर्जी स्वीकार हो चुकी है। दोस्तों, भगवान का बहुत बड़ा फैसला आ गया है और भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, क्योंकि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। भगवान अगर एक रास्ते बंद कर दे तो घबराइए मत, क्योंकि दूसरा रास्ता आपके लिए तैयार है। भगवान रास्ते तभी बंद करते हैं जब उससे भी बेहतर देने को रहता है। हंसता खेलता जिंदगी में अगर अचानक से परेशानी आ जाए तो समझ लीजिएगा ईश्वर कोई नई चाल चल रहे हैं। ईश्वर आपको उससे भी बेहतर देने की कोशिश कर रहा है और उसे समय आपको रोकने के लिए तरह तरह की परेशानी, तरह तरह के आफत विपत आपके सामने आएंगे और आपका मार्ग रोकने की कोशिश करेंगे। कोई भी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएगी, इतना तो फूल गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत ऐसी छलांग लगाएगी जिसे देखकर आपके दुश्मन सीधा बेहोश ही हो जाएंगे। आपके दुश्मनों को सदमा लगा तो तय है, क्योंकि इंतजार का फल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, लेकिन प्रयासों का फल मिलता जरूर है। भगवान पर विश्वास रखने वाला इंसान कभी खाली नहीं लौटता है। स्वयं भगवान ने आपकी दो बड़ी अर्जी स्वीकार कर लिया है और अगले 24 घंटे के अंदर जो घटना होने जा रहा है, इस घटना को दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। यहाँ तक आपसे जलने वाले जो दुश्मन है वह भी इसे नहीं रोक सकता है। जी हाँ, जब आप इस घटना के बारे में जानेंगे तो आपके साथ साथ आप के पूरे परिवार का भी होश उड़ जाएगा। जी हाँ, आप सभी लोग सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे और कहने लगेंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है, इस असंभव काम को संभव किसने बनाया। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय आपकी ग्रह कुंडली में, आपकी राशि में ऐसा शुभ योग का निर्माण हो गया है जिससे आपका किस्मत बदलना तय है। तो दोस्तों, भगवान नहीं, आपकी वह कौन सी अर्जी स्वीकार किए हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान आपको कौन से संकेत देने वाले हैं और किस तरह से भगवान के संकेतों को पहचान कर बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करनी है, कौन सी वह घटना है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, सभी बातों को अच्छे
जान लीजिए ताकि मौके का लाभ उठाना आसान हो, लेकिन यह गुप्त बात बाहर नहीं जाना चाहिए वरना इसका लाभ कोई दूसरा उठा लेगा। तो इतना जरूर ध्यान रहे दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि भगवान ने आपकी अर्जी सुन ली है और स्वीकार भी कर ली है। सबसे पहले अर्जी है आपका घर में सुख शांति को लेकर, क्योंकि आपके घर में कलह क्लेश वाद विवाद बीच बीच में लगातार होते रहता है। घर में छोटी मोटी बात को लेकर बात विवाद होना, लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, लेकिन बार बार लगातार हर बार होते रहना यह बहुत बड़ी बात है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं आपके घर, आपके परिवार में किसी की नज़र लग गई है, आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर गई है और इस नकारात्मक शक्ति के कारण आपके परिवार में बार बार कलह क्लेश होते रहते हैं, क्योंकि घर में प्रवेश नकारात्मक ऊर्जा की वजह है। सबकी माटी छिन्न भिन्न हो जाती है। आप करना चाहते हैं कुछ लेकिन हो जाता है कुछ और, सोचे हुए काम आप समय पर नहीं कर पाते और इसी की वजह से आपके घर में भी रुपया पैसा धन दौलत नहीं दिखता है। और आप इसके बारे में कई बार सोचे हैं कि कहानी मेरे परिवार में मेरे घर के ऊपर किसी की बुरी नज़र तो नहीं लग गई है, और आप इसके ऊपर अपने परिवार से चर्चा भी किए हैं, लेकिन आपके परिवार के कोई भी सदस्य आपकी बात नहीं लेते हैं। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, हम एक उपाय बता रहे हैं। इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। उपाय है सप्ताह में किसी एक दिन यदि मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दिन करने से उपाय जल्दी काम करेगा। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और जाकर पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें, फिर उसके बाद अपने घर में हनुमान जी के सामने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दे। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इससे घर में सुख शांति आएगी, धन दौलत सुख समृद्धि में बरकत होने लगे होगी, क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हैं और मेहनत से वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिस चीज की आप सपना देखते हैं, लेकिन हासिल करने के बाद आपके पास रुकता नहीं है, इसलिए अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो सब कुछ हासिल भी होगा और आपके घर में रुकेगा भी, क्योंकि मेहनत के साथ साथ उपाय करना बहुत जरूरी है। बात समझ आई हो तो बोलिएगा हाँ, आप सही बोले। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी राशिफल की ओर देखिए दोस्तों। आप अपने आप को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाना चाहिए। यह परेशानी आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपको सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि आपके फैसले लेने की क्षमता भावनाओं और दूसरे कारणों से प्रभावित हो सकती है। अब समय आ गया है कि आपको अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है, और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि यह तो होना ही था या फिर केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें, यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो इस रिश्ते से बाहर आने का यह सबसे अच्छा समय है। आप एक आकर्षक आभा और मीठी वाणी के स्वामी हैं। इन अलंकारों की वजह से आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपका बच्चों का रवैया हर जगह खुशी फैलाता है और सबके लिए बहुत आसान परिस्थितियों का निर्माण होता है, और आप अपने चुटकुलों और हास्य से सबके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं जो आपके मुखमंडल से अनायास ही निकल पड़े रहते हैं। आज का दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं
और काफी सारा काम इकट्ठा हो गया है। आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगे, जिससे आपके अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे हो पाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुरानी और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटा रहने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय उत्तम है। आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता न करें, यह सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, आज पूरी हो सकती है। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे, आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसीलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। अपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर है तो उनका भली भांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा रखने में विश्वास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। कुंभ की राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ ये आपके रिश्ते को काफी दूर तक ले जाएगा। व्यावहारिक स्थिति आज आपको काफी तीव्रता से काम करने के लिए मजबूर कर रही है, पर आपका मन अपने परिवार के साथ समय बिताने में अधिक रुचिकर दिखेगा, इसलिए आपको दक्षता से अपनी दोनों प्रतिबद्धताओं को निभाना होगा। आप अपने काम को नजरअंदाज न करें, हालांकि आपका मन इधर उधर भागेगा। आप उन दोनों के संतुलन के लिए अपने खाली समय या अपने दोपहर के भोजन के घंटे और अवकाश के समय के बाद का समय उपयोग कर सकते हैं। आज आप हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रहेंगे। इसका नुकसान यह है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं जो दिल से आपका भला नहीं चाहता, इसीलिए पहले इस आदमियों के बारे सही से छानबीन कर लें। अगर आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल या घर पर किसी की बातों से असहमत हैं, तो आज दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। आप पिछले कुछ दिनों से चिड़चिड़े और परेशान सा महसूस कर रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर दूसरों का बहुत अधिक ध्यान रखने में लगे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आपको यही प्यार अपने लिए भी दिखाना होगा। अपने खाने पर ध्यान दें, खूब आराम भी करें और अपने शरीर को आराम देने और खुशी महसूस करने के लिए ब्यूटी पार्लर में भी जा सकते हैं। इससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आप और आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर असहमति हो सकती है। यह मुद्दों बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर कुछ समय से यह आपके रिश्ते में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। यह आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफी ज्यादा मात्रा में धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेकपूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृगतृष्णा वाली परियोजनाओं में पैसे लगाया। इस तरह की और परियोजनाओं आपके समक्ष आएगी, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आप वित्तीय परेशानी में फंस सकते हैं। आपको अपने निवेश के निर्णय चरणबद्ध तरीके से लिए में है और विशेषज्ञों की राय के अनुसार आगे बढ़ना है, पर आपकी आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तुतिकरण एवं चमकती हुई चीज की तरफ भाग पड़तो है जो कि आपको छोड़ देनी है। पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है, इसके चलते आज कोई भी काम खुशी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगे, लेकिन चिंता न करें, यह अस्थाई चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। ऐसे पार्टनर की तलाश करें जो आपके साथ स्वस्थ आते बांटने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपकी बात सुने बिना ही केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ बनाकर भावनात्मक रूप से आपको प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे अपनी हद से गूंज जाए तो आपको भी उनसे अलग हो जाना चाहिए। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह है आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कर रहा है कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। यह समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। कार्यालय के लंबित काम आज आपको तनाव दे सकते हैं। आज आपको देर तक कार्यालय में काम करना पड़ा देख सकता है। यह मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है। पिछले सप्ताह की आपकी बोरियत और आलस्य आप पर आज नकारात्मक प्रभाव डालेगा। आज दूसरों के साथ सौम्य और विनम्र रहें, अन्यथा आप विवाद में फंस सकते हैं। ऐसी स्थितियों से दूर रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे, वे सब आज ठीक हो जाएंगी, लेकिन वे अपने पीछे था कल की एक ऐसी फीलिंग छोड़ दी जाएंगी जिससे उबरने में आपको कई दिन लग जाएंगे। अधिक श्वास लेकर जीवन शैली पर अपना फोकस करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें और खाने में भी अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प शामिल कर अपनी डाइट को संतुलित करें। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपाय अपनाएं। आप अब यह समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी बिताने के लिए किस तरह का पार्टनर चाहिए। हाँ, आपने ठीक समझा, आपको प्यार चाहिए और आप पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहते। आपको वह आदमी मिल चुका है और उसे देखते हैं। आपकी भावनाओं का मचलना इस बात का सबूत है। अगर अपने आकर्षण के बावजूद फैसला लेने में कोई परेशानी आती है तो अपने दिल की सुने। आज उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। कोई नजदीकी अथवा दूर दराज यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है जो कि यादगार रहेगा। आपका हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना तथा अपने कार्यों के प्रति समर्पित भाव आपको सफलता प्रदान करेगा। युवाओं की रुचि सामाजिक अथवा आध्यात्मिक कार्यों में भी बढ़ेगी। स्वार्थी और आत्म होने से करीबी लोग नाराज हो सकते हैं। वर्षीय संबंधी मामले उठ सकते हैं। बहुत धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है। थोड़ा वक्त आध्यात्मिक और धार्मिक कामों में बीता है। ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपके व्यवसाय काम स्वतः ही बनते जाएंगे। सहयोगी तथा कर्मचारियों का भी आपके कार्यों के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी स्थानांतरण संबंधी कोई सूचना मिल सकती है जो कि बेहतर रहेगी। व्यवसाय तनाव का असर परिवार पर भी पड़ेगा। जीवन साथी अथवा परिवार जनों का अपनी समस्या निवारण हेतु सहयोग अवश्य लें। कुछ समय से आपने बहुत ही अनुशासित तथा व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर रखी है जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ने लगा है। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात कई उलझे हुए कामों को बनाने में मदद करेगी। कभी कभी आप दूसरों के प्रभाव में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको पछतावा भी होता है। इस समय भी भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक एकाग्रता बनाकर रखें। व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा जैसी स्थितियां बन रही है। कुछ लोग आपके लिए शनि यंत्र या नकारात्मक योजनाएं बना सकते हैं। उधार दिए हुए पैसे की वापसी मिलने की भरपूर संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहेगा। नौकरी में भी ऑफिस के माहौल में कुछ ऐसी ही स्थितियां रहेगी। पति पत्नी अपने संबंधों को और अधिक मजबूत बनाकर रखें। प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। आज आपकी कोई उन्नति का रास्ता खुलने वाला है। सकारात्मक तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी बना रहेगा जिससे अपनी जीवन शैली को और अधिक बेहतर बना सकेंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य की गलत व्यवहार से घर में कलह हो सकती है। बेहतर होगा कि शांति और धैर्य बनाए रखें। आपके अपने ही आपके काम में रुकावट डालेंगे। इस समय भाग्य के भरोसे न बैठें, उचित मेहनत भी करना जरूरी है। व्यापार में कोई बड़ी डील या अनुबंध होने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास तथा मनोबल आपको कोई विशेष निर्णय लेने में सहायता करेगा।
सरकारी सेवारत लोगों को विशेष अथॉरिटी मिलने से कार्यभार भी बढ़ेगा। व्यवसाय संबंधी किसी यात्रा का भी प्रोग्राम बनेगा, घर की उत्तम व्यवस्था रहेगी तथा परिवार जनों के बीच मधुर सामंजस्य रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में निराशा की स्थिति बन सकती है। आज किसी खास कार्य के निपटने से तनाव और थकान से राहत मिलेगी। कुछ अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको सकारात्मक अनुभव सीखने को मिलेंगे। यह बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं, तो पूर्वांध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप पुराने विचारों को छोड़ दर्ज कर नए विचारों को अपना रहे हैं। आज कुछ अलग न सोचे, इसका प्रभाव औरों पर छाला पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले ये मूल्यांकन दोबारा कर लें कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए नया वाहन और दूसरी चीजें खरीदने हेतु समय उपयुक्त है। आज आप ऊर्जा से भरे और बिल्कुल तनाव रहित महसूस कर रहे हैं। आप अपने आसपास सबसे अलग दिखेंगे और लोग आपका सकारात्मकता और जोश से भरा हुआ व्यवहार खूब नोट करेंगे। सक्रिय दिमाग के साथ साथ आज आपका शरीर भी खूब स्वस्थ है। खेलों से जुड़े और एथलीटों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि सफलता की संभावनाएं काफी अधिक है। आप अभी हाल ही में किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में बंधे हैं। वैसे आप इस व्यक्ति को पहले से भी जानते हैं, लेकिन इनकी कई कमियों को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है जो आपके सामने अब आई है। आपकी उम्मीदों को समझने और उन पर खरा उतरने की कोशिश में नाकाम रहा है। आपको उसे कुछ समय देना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह आपको जरूर समझना शुरू करेगा। छात्रों के लिए यह किसी भी परीक्षा में उतरने लिए एक अच्छा दिन है। सफलता आपके साथ है। पेशेवरों के लिए आपके कार्य थल पर एक सकारात्मक दिन होगा। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है, तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिल आज अच्छा है। आज स्वयं को भौतिक चीजों के मोह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर पकड़ है, आनी बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है। सहज बने रहे, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। आप एक साथ काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और अब इसका बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर दिखना भी शुरू हो जाए। या लगातार रात को देर तक काम करते रहने से आप काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। आई इसका आपके स्वास्थ्य तथा करियर दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आयात को स्वास्थ्यकर आदतें अपनाने की और अधिक ध्यान देना पर दे देगा। या बहुत अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपका अधिकतर समय अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी कर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।